Have mercy on me, sinner. हमारे साथ जुड़ गए सर। जो आज एट्थ इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया, जिसका थीम जो था ह्यूमैनिटी था, तो क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा हुआ जी, हम सब इसमें शामिल हुए, एडमिनिस्ट्रेशन भी आर्मी की तरफ से, और जो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेज था, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, हायर सेकेंडरीज के थे, बाकी हमारे सिविल ऑफिसर्स भी थे, लोग भी आए बहुत खुशी से। बड़ा अच्छा हुआ, हमारा जो योगा इंस्ट्रक्टर था उसने बहुत अच्छे जो है वो आसन सारे दिखाए, लोग बड़े खुश हुए, मौसम भी अच्छा था, बारिश भी नहीं हो रही थी, ठंडा ठंडा भी था, तो काफ़ी अच्छा रहा, लोगों ने काफ़ी फ़ायदा उठाया है। बाकी लोगों से भी गुजारिश है कि वो सारे के सारे जो है योगा की तरफ आएँ, ताकि सेहत की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो हल हो जाएं, ये बहुत अच्छा है। कैसा मैसेज आप कन्वे करना चाहते हैं जनरल पब्लिक को पार्टिसिपेशन के लिए? पब्लिक के लिए हेल्थ के रिलेटेड यही गुजारिश है, एक तो ज़्यादातर आज जो है वो मानसून चल रहा है, गर्म पानी पिएँ, उबाल के पानी पिएँ, अपने हाथ जो कोरोना में उनको हाथ धोने की आदत पड़ी वो कंटिन्यू रखें, और फिर एक्सरसाइज़, और एक्सरसाइज़ में भी योगा जो है बहुत ज़रूरी है, योगा अपनाएं, डेली सुबह उठ के 5-10 मिनट जो है योगा करें, ताकि सेहत के लिहाज से लोग जो है फिज़िकली फिट रहें, बीमारियां कम हो जाएं, क्योंकि हमारा लोग जो है हेल्दी होंगे तो हेल्दी इंडिया होंगे, यही हमारी गवर्नमेंट का नारा है कि सब लोग जो है हेल्दी रहने चाहिए। बहुत अच्छा प्रोग्राम, इंटरनेशनल डे फॉर योगा मनाया गया, सर फोर सिमाई के तो आज के आप क्या कहना चाहेंगे आज के दिन? सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा तमाम ज़िला के लोगों को कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर आज हमारे इस रिमोट डिस्ट्रिक्ट में भी जगह जगह पर जो ये योगा कैंप्स लगाए गए हैं, हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में सब डिवीज़नों पर इस वक्त एट ए टाइम ये कार्यक्रम हुआ, और हम भी यहाँ पर भदरवा के राष्ट्रीय राइफल फोर के हेलीपैड पर इसको मना रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर आर्मी के CEO, यहाँ पर हमारे ADDC, हमारे ASP और कौंसिल के मेरे सहयोगी ठाकुर युद्धवीर जी, और अपने ओमी चंद जी, और स्कूल के बच्चे, यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे, सब लोगों ने हमने मिलकर यहाँ पर योग किया, और बहुत ही मज़ा आया। जो यहाँ का वातावरण है, जो माहौल है, आपने देखा कितना खूबसूरत माहौल में हम सब लोग इसको कर रहे थे, और बहुत रिलैक्स फील हुआ, बड़ा अच्छा लगा, और सब बड़े उत्साहित हैं। तो आज के इस मौका पर मैं तमाम ज़िला के लोगों को ये संदेश आपके माध्यम से देना चाहूँगा कि वो घरों में जाकर अपनी फैमिलीज़ के साथ हर रोज़ योग करें और स्वस्थ रहें, और ताकि यही देश की प्रॉपर्टी है कि हम सब लोग अगर स्वस्थ हैं तो अपनी अपनी जिम्मेवारियों को, अपनी ड्यूटीज़ जो हमें असाइन होती हैं डिफरेंट किस्म की, उसको अच्छे तरह से तभी कर सकते हैं जब हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। मैं तमाम देशवासियों को ये कहना चाहूँगा कि भदरवा एक बड़ी हिस्टोरिकल जगह है, यहाँ के लोग सैकड़ों सालों से आपस में एक भाईचारे के तहत यहाँ पर रह रहे हैं, रहते थे और आगे भी रहेंगे। हाँ, कुछ एक आध परसेंट की बात हम करेंगे, कुछ लोग जो है वो विदेशों की शय पर, बाहर की करेंसियों के शय पर यहाँ पर इस माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से हमने इस को कंट्रोल किया है, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ने, यहाँ की पुलिस ने, यहाँ के सब लोगों ने इसको कंडेम्न किया है, और उस पर आने वाले समय में ऐसे जैसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है उनके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जहाँ तक टूरिस्ट की बात है, उनको आज की डेट में भी ये कहना चाहूँगा कि वो बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर और खौफ के यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं, बहुत ही पोलाइट हैं, और सब लोगों की जो मेहमान नवाजी है यहाँ की, वो अपने नाम से ही जानी जाती है, लिहाजा सब लोग यहाँ पर आएँ। यहाँ पर बहुत खूबसूरत मौसम है, बहुत अच्छा माहौल है, घने घने जंगल हैं, साफ़ पानी है और साफ हवा है, उसका लुत्फ़ लें और रिलैक्स फील करें। सब लोग अब इकट्ठे करेंगे, सब लोग हाथ अपने घुटनों पे रखेंगे क्लॉकवाइज, 1, 2, 3, तीन बार एंटी क्लॉकवाइज, 1, 2,
फ्री वापस गहरा सांस भरेंगे और अपनी सांसों पे कंसंट्रेट करेंगे। कुछ टाइम के लिए बाहर की सारी चीजों को अपने दिमाग से निकाल देंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सोचेंगे और धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। सब लोग आराम से उठेंगे, सब